से ठीक पहले आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों से हर साल 13 लाख नौकरियां देने का वादा किया और सरकार ने दावा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 5 सालों के अंदर 70 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। लेकिन सत्ता में बैठते ही हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदित्यनाथ जी के उस बयान को कोट किया कि किस तरीके से आदित्यनाथ जी सत्ता में बैठते ही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उस नौकरी के लायक नहीं। आज सरकार की नालायकी का प्रमाण पत्र देने के लिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नालायकी का प्रमाण पत्र देने के लिए ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आप सबके बीच में हो रही है। 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी की एक भर्ती आई और जब भर्ती आई तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दूसरी भर्ती थी, दूसरे नंबर की भर्ती थी। और इस सरकार में 2017 से 2020 तक कुल 12 भर्तियां निकाली गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। आपको जान के हैरानी होगी कि 28 अगस्त को इस भर्ती का परिणाम आता है जो 1953 पदों के लिए निकाली जाती है और 1953 पदों की इस भर्ती के लिए लगभग 14 लाख नौजवानों ने आवेदन किया। अगर एक नौजवान ने सिर्फ परीक्षा फॉर्म से भरने को लेकर परीक्षा फॉर्म देने तक मात्र 2000 रुपए खर्चा किया होगा तो इस सरकार को नौजवानों ने 280 करोड़ रुपए उनके खाते में डालने का काम किया। सिर्फ एक भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की भर्ती थी। लेकिन आप देखिए कि सरकार की मंशा किस तरीके से नौजवान विरोधी है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जिनके कंधे पर बैठ के सरकार सत्ता में पहुंची उनको किस तरीके से सरकार गुमराह कर रही है। 28 अगस्त को नौजवानों का रिजल्ट आता है और ठीक 29 अगस्त को जो हमारे ग्राम विकास मंत्री जी हैं मोती सिंह जी, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है और ये मांग की जाती है इस रिजल्ट का जो है एक बार फिर से रिवाइज होना चाहिए। उनके लेटर को संज्ञान में लेते हुए 29 फरवरी को ये आदेश आता है कि 1953 में से 1553 जो नौजवान हमारे साफ सुथरे हैं, जिनकी ओएमआर सीट में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनका कम से कम सत्यापन शुरू कराया जाए 1553 नौजवानों का। और आप सोचिए कि 12 मार्च 2020 को उन नौजवानों का 1553 नौजवानों का सत्यापन शुरू भी हो जाता है, 120 बच्चों का 120 अभ्यर्थियों का सत्यापन हो भी जाता है। ठीक उसके बाद कोरोना काल आ जाता है। कोरोना काल के बाद 20 जून को उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 के अभ्यर्थियों को सरकार की वेबसाइट से सूचना मिलती है कि 20 मार्च से ये सरकार उस भर्ती पे एसआईटी जांच चलाती है। ये सूचना आपको 20 जून को दे रही सरकार। आप सोचिए किस तरीके से नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं आप। उसके बाद एसआईटी की जांच दिसंबर 2020 में पूरी होती है और उस जांच में क्या हुआ क्या निकला किसी को कुछ जानकारी नहीं। और अभी ठीक कल एक इस सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया, नौजवान विरोधी फरमान जारी किया और सरकार ने कहा कि जो भी भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की निकली थी वो भर्ती निरस्त की जाती है। आपने कमरे में बैठ के अधिकारियों के दम पे आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के खिलाफ एक फैसला ले लिया। आदित्यनाथ जी आपने कतई एक बार नहीं सोचा कि इस भर्ती को भरने के लिए लाखों नौजवानों ने अपना नौकरी छोड़ दी, अपनी तमाम परीक्षाएं छोड़ दी और जो 1953 नौजवान थे उन्होंने तमाम तरीके की नौकरियां छोड़ दी जहां उनकी नौकरियां लग चुकी थी। तमाम मैसेजेस आ रहे कल से, किसी के पिताजी मजदूरी करते थे, किसी के पिता ने अपना खेत भी रखा था, कोई बच्चा 5 साल 6 साल 10 साल से इलाहाबाद मेरठ लखनऊ में तैयारी कर रहा था, 8x10 के कमरे में तैयारी कर रहा था, आज वो अवसाद ग्रसित हो गया। तमाम नौजवानों से रिपोर्ट मिल रही कि आगरा में इलाहाबाद में और तमाम जनपदों में हमारे कुछ अभ्यर्थी जो इस भर्ती से जुड़े हुए थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरी सरकार से एक निवेदन करता हूँ आप सब चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो जानता है कि हो सकता है इस बार उसकी तैयारी नहीं रही। लेकिन आपका ये जो रवैया है, जब अपने सपने को साकार करने के लिए दरवाजे पे खड़ा था, जब दरवाजे पे खड़ा था कि उसका सपना साकार होने जा रहा है, उसके माँ बाप के अरमान पूरे होने जा रहे हैं, उन अरमानों का कत्ल करने का काम आपकी सरकार ने किया। तो जिस तरीके से 12 भर्तियां सरकार ने निकाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में और जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भर्ती थी ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की, मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जो एसआईटी की जांच आपने बैठाई उसके पहले जो 1553 नौजवानों का सत्यापन शुरू हुआ था उनको आप जो है नियुक्ति देने का काम करें, उनके साथ आप कोई भेदभाव करने का काम कतई मत करें। दूसरा, 12 भर्तियां निकाल के 51 लाख नौजवानों से जो आवेदन लिया आपने और आज सारी की सारी भर्तियां जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित पड़ी हुई हैं विभिन्न कारणों से, मैं आज सरकार से मांग करता हूँ कि तमाम भर्तियों की कोर्ट मॉनिटर जाँच की जाए और टाइम बाउंड उसमें की जाए कि इतने दिनों के अंदर ये जाँच पूरी होगी और जो भी भर्ती है उनसे जुड़े जो भी मंत्रालय है उन तमाम मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस भर्ती में एक तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं, उसको उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। दूसरा,
जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, उनका 1,000-1,500 रुपए खर्चा हुआ, उन नौजवानों को आपको पुनः निःशुल्क ये भर्ती निकाल कर उनसे आवेदन लेना चाहिए, उनका पुनः निःशुल्क परीक्षा करानी चाहिए। मेरे साथ में ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की जो अभ्यर्थी है आपके बीच में है, वो भी अपनी बात रखेंगे, अपनी पीड़ा को रखेंगे कि किस तरीके से सरकार ने उनको ठगने का काम किया। हमारे बीच में अभ्यर्थी है, आप अपनी बात रखेंगे। 2018 को हमारी परीक्षा होती है 22-23 दिसंबर, 2019 28 अगस्त को रिजल्ट आता है। उसके बाद भी काफी जांच के बाद ये रिजल्ट आता है, उसके बाद भी डीवी डेट जारी करने में ये बहुत समय लेते हैं। उसका रीजन बताते हैं कि जांच चल रही है, मैनुअल जांच करा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो जाँच चल रही है। उसके बाद फिर डीवी डेट भी जारी हो जाती है, डीवी कुछ 120 लोगों का डीवी भी हो जाता है। उसके बाद SIT बता देते हैं हमें 20 जून को, कोरोना काल की वजह से वो डीवी स्थगित हो जाती है। फिर उसके बाद नई नोटिस निकल के आती है कि SIT लग गई है, ठीक है, हम उसका भी वेट करते हैं। SIT में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि नहीं कोई 1953 में कितने लोग फ्रॉड थे या कुछ ऐसा नहीं बताया गया।